जी जनाब, अब हम बागसर किले से वापसी पे। एक बावली है, छोटी सी मुगलिया दौड़ की, शायद या उससे भी पुरानी होगी। तो बावली पे ये बेसिकली हम सिर्फ देखने की गर्ज से नहीं आए, गर्मी काफ़ी लग रही है तो सोचा कि थोड़ा सा पानी वगैरह पिए और मुँह धोए और उसके बाद संधवा वाटरफॉल पे जाएंगे, वहाँ से इंजॉय होगा हमारा। ये तो बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश अप होने के लिए यहाँ पे आए हम। ये है जी बावली। ये है जी बावली। ये है जी बोली। बोली भी ये समझ लो कि पानी नीचे से आता है और ये है जी बोली। ये पता नहीं अब इसकी क्या तारीख है, क्या हिस्ट्री है। अच्छा अशफाक भाई, यहाँ पे ये जो बोली है इसका पानी किधर से आता है और किधर को जाता है? इसका पानी चश्मे की तरह पानी सीधे होती है। ठीक है, वही नीचे से निकलता है। हाँ। तो यही रहता है। ये बनाया जाता है जैसे कुआं बनाया जाता है? जी, ये 500-600 साल पुराना है काफी। हाँ, वो ही ना, वो यहाँ से पानी आता रहता है। इसकी गहराई सिर्फ इतनी है, यहाँ इतनी गहराई इतनी और ये पानी कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, क्या सुभान अल्लाह।
एडवेंचर। बागसर 2 किलोमीटर। ये है सुधेरी वाटरफॉल की तरफ हम जाते हुए, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट होगा रियल टॉप, वहाँ पे जाके हम बारबेक्यू करेंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे और निकल पड़ेंगे वापसी के लिए। अभी हम नीचे जो है ना वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग कर रहे हैं। गर्मी ने मत मार दी हुई है तो। यहाँ पे जब भी प्लान बनाए ना आने का तो कोशिश करें या तो मानसून में आए, मौसम अच्छा हो जाए, नहीं तो फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी ठीक है, उसके बाद जो जून से सितंबर तक है ना वो सख्त गर्मी है। और पानी वगैरह की बॉटल साथ लाएँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले गए हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता खाने। ये जी फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल पे। ये जनाजे भाई है टीम के लीडर, ज्यादा होशियार मारने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी की तरफ रहे। ये पानी गया ना जहाज भाई, we